आज मैं फिरोजपुर जिला फिरोजपुर की दिशा की मीटिंग अज रिव्यू किया। दिशा की मीटिंग होंगी है मैंबर पार्लीमेंट डिप्टी कमिश्नर के सारे ऑफिसर नाल मीटिंग करके जिन्हिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम उन्होंने रिव्यू किया। मैं जी इत गल देखी है कि जी पिछले चार पाँच साल जो कांग्रेस का राज सी पिंडां विच नरेगा का बड़ा मिसयूज़ होया। इंटरलॉकिंग टाइलों के बहाने कांग्रेस सरपंचा ने अपनिया फैक्ट्रियां लाइया, लीडर ने अपनी फैक्ट्रियां लाइया, उन्होंने अपनिया ही फैक्ट्रियां तो सब स्टैंडर्ड इंटरलॉकिंग टाइलों खरीद के उन्हें पिंडा लाइया। तो मैं डिप्टी कमिश्नर अज डायरेक्शन दी है कि विद इन 2-3 मंथ सारी इंक्वायरी की जाए, पता लग्या जाए कि फैक्ट्री है, कितों आया, किन्नी क्वालिटी है, सारा का रिव्यू किया जाए। तो मैं कर देना जो इंक्वायरी आऊगी तुम आप देखोगे किन्ना करोड़ों का घपला पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान इन्हों के लीडर के मंत्रियों के सरपंचा ने किया। दूजी गल जी मैं इतने रिव्यू की है कि जोड़ा पी जी आई सैटेलाइट सेंटर है, मैं उन्होंने कहा कि तुम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बड़ा दुख है कि फॉलोअप ही नहीं कर रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाल। पिछले 5 साल इन्होंने टपाते कांग्रेस ने, तो असी तो परमात्मा मेहर करता साड़ी सरकार होंगी तो अच्छा असं शुरू भी कर देना चाहिए पी जी आई सेंटर, इतने जो हॉस्पिटल हैगा पी जी आई का इतने सेंटर। पर अफसोस मैं हूँ ही पता किया कोई एक्शन नहीं, कोई उन्हें इंट्रस्ट ही है नहीं बुला का। तो मैं डिप्टी कमिश्नर को कहा कि मैं सारी डिटेल दो, तो फिर असी मैं जिस लैवल से लैके जाना मैं उस लैवल से लैके जाऊँगा। तीजी गल जी मैं कहना चाहना है कि अज पंजाब विच गैंगस्टरां दा राज है, मुख्यमंत्री गैंगस्टर बन गए है। अब सारा सूबे नू कंट्रोल कर लिया गैंगस्टरां ने। गैंगस्टर जी तो मर्जी चाहन उन्हों तो लुटी आते हैं, पैसा कट्ठी आते हैं, उन्होंने हिम्मत इन्नी बढ़ गई कि डी जी पी तो इन्हों थ्रेट देन लग गए कि जे साडे जेलां च साडे किसे मित्र नू तुसीं तंग कीता फिर असीं देखां वड्डे हादसा करांगे। कारण की है कि पुलिस फेल हो गई है, मुख्यमंत्री फेल है, पता ही नहीं मुख्यमंत्री चला की रहा। गैंगस्टर जे इत्थे काम चलता रहा पंजाब किसी ने रहना नहीं, ना कोई इंडस्ट्री है, ना इत्थे कोई बिजनेस करे, कोई सारे तो लुट लिया गैंगस्टर ने। तो मैं डी जी पी नूं कहना चाहना, मुख्यमंत्री नूं कहना चाहना, आ ड्रामे जे करने बंद करो, मुख सरकार चलाओ, तो सब तो इंपॉर्टेंट है आ गैंगस्टर का गुंडा राज खत्म करो। ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਹਾਈ ਇੱਥੇ ਜੀਰੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਰੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਕੋਈ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਭੱਜਾਂ, ਭੱਜਣਗੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। आम आदमी पार्टी ठगां दी सरकार बन गई है, जिन्ने लुटेरे सारे MLA बन गए है, मुख्यमंत्री जो कहिंदा सी उहदे उल्ट कर रहा है। ऐ लगता है कि उन्होंने ऐ लगता जिवें कोई किला लुट लिया होए, हुण पता कि हुण काम करन दी लोड़ नहीं। ऐ जी निकम्मी नलायक निखिद सरकार नहीं देखी। देखो किड्डा वड्डा नुकसान मीह नाल अपने इलाकियां 'च होया। एज मैंबर पार्लीमेंट मैं जाके लोगों दिया पानी कढ़ाया, इन्हों अज तक कोई अफसर नहीं गया। आ जड़े पशुआं की बीमारी हुई, मैं लगता 1 लाख पशु मर गया होना है, सरकार नू कोई फर्क नहीं पिया। कल्ले पशु का नुकसान नहीं हो, एक एक परिवार का एक एक गरीब का 1 लाख रुपये का एक पशु सी, एक मझ सी या गां सी जी मर गई, हूँ वह बेचारा दुध बेचता सी, दुध का भी नुकसान हो गया। ना दुध का रेट वधाया इन्होंने, ना पशुओं को कंपनसेशन दी है। आता कोई सरकार है ही नहीं, ना कोई अफसर भेजे, ना मंत्री भेजे, ना कोई डॉक्टर भेजे, ना कोई वैक्सीनेशन नहीं आती। आ सरकार कोई यह काम करती है?